बीएचयू के कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर सिंह का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों डॉक्टर ओम शंकर विभिन्न अनियमितताओं को लेकर 20 दिनों तक अपने ही विभाग में आमरण अनशन पर किए थे। इसके बाद डॉक्टर ओम शंकर को उनके पद से हटा दिया गया था और जब उन्होंने पत्राचार किया तो उन्हें पुनः वापस रख लिया गया, जिसका विरोध लगातार डॉक्टर ओम शंकर करते आ रहे हैं। उन्होंने बीएचयू प्रशासन पर सर्जरी के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस बीच में उन्होंने क्या किया, इस बीच में लगातार 55 दिनों तक उन्होंने स्क्रूटनी, जो हमारे विभाग में जो अनियमित गलत तरीके से कैंडिडेट का, अपने चाहते कैंडिडेट की स्क्रूटनी की, और मैं अगर रहता तो वो गलत नहीं होने देता। फिर उन्होंने क्या किया कि जो 55 दिन मेरा चुरा लिए, उन्होंने फैक्सिट में 29/7/2021 के जो पत्र मुझे प्राप्त हुए थे उसमें बहुत ही क्लियर लिखा था इस पत्र के अंदर कि मेरी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए है, लेकिन 3 वर्ष में अगर आपने 55 दिन चुरा लिए तो वो 31 जुलाई 2024 को 3 वर्ष कैसे होगा? जो 55 दिन आपने चुराए, मैं छुट्टी पर नहीं था, मैं किसी और कारण से बाहर नहीं था, मेरी गलती नहीं थी क्योंकि आपने खुद मुझे रीइंस्टेट किया है, या आपने माना कि आप गलत थे। जब ये सब आपने माना तो अगर आपने उसके बाद भी मेरे, क्योंकि मेरा ये रिटायरमेंट नहीं था कि 31 अगस्त को या 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा, ये 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट था। 3 साल में 55 दिन आपने चुराए तो मेरे 55 दिन कहाँ गए? वो मुझे मिलने चाहिए थे जो आपने चुरा लिए, और इसलिए चुराए, और चुराने के बाद आपने ठीक 31 तारीख के बदले 1 तारीख को प्रेजेंटेशन कराते हैं और 2 और 3 तारीख को इंटरव्यू करा रहे हैं, जो आपकी गलत मंशा और आपके जो विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हो रही है उसमें भ्रष्टाचार को आपको सीधा सीधा साबित करता है कि आप भ्रष्टाचारी तरीके से, गलत तरीके से विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ कर रहे हैं। उसके बाद कई विभागों में आपके पूरे के पूरे विभाग के जो हैं सभी को अयोग्य कर दिया, जबकि इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसकी नियुक्ति हुई है, वो भी उस कानून में जहाँ की DACP, जहाँ की डायनामिकली एसोर्ड, मतलब प्रमोशन तो होना ही है वहाँ पर, उसके बाद भी आपने वहाँ से उनको हटा दिया। उसके बाद चिकित्सा अधीक्षक महोदय, जो कि कोई भी एक अस्थायी नियुक्ति 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मई में ही 3 साल उनका 6 मई 2024 को पूरा हो चुका है, जिनके ऊपर अपराध और भ्रष्टाचार के सीधे सीधे संगीन साबित अपराध है, उसके विरुद्ध आप कोई कार्रवाई नहीं करते, उससे गलवैया लेके घूमते हैं आप, वो आपके सबसे प्रिय मित्रों में से एक है। उसके बाद हमारे खुद के विभाग में 2.56 करोड़ का वित्तीय अनियमितता हुई थी खरीदों में, जिसके अधीन आपने ही जांच के आदेश दिए थे, और आपने ही जांच जब चल रहे थे फिर आपने वेंडर्स को अपने सिग्नेचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर करके पेमेंट कर दिया, और बाद में जांच में पाया गया कि अनियमितता हुई थी, मतलब आप उस अपराध के सीधे दोषी हैं। आप जानबूझकर वेंडर से मिलकर उससे साठगांठ करके आपने ये वित्तीय भ्रष्टाचार किए हैं। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप जो जांच घर है उसको आपने निजीकरण कर दिया, निजीकरण एक अपने मित्र के कंपनी को दिया, और उस निजीकरण में आज सबसे घटिया जांच हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मानक जो है उसको आपने खत्म कर दिया। आप उसके बाद यहाँ के पेड़ों को, जो हेरिटेज पेड़ 100 साल पुराने थे, जिनसे कि कटने के बाद भी हरी हरी हरियाली निकल रही है, इसकी जाँच के आदेश दिए हैं। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किए हैं, और इस आवाज़ को, जो आपके विरुद्ध उठने वाली आवाज़ है, उसको गलत नियमों, जिसको CS CCS रूल कहते हैं, उसके तहत आपने दबाने की कोशिश की है, जिसके 93% आपको सच बोलने के लिए, एक अमानवीय अपील करने के लिए आपने उसको धमकी दी है, ताकि आपके विरुद्ध आप अपना भ्रष्टाचार मनमानी लगातार चलता रहे। और उस CCS रूल में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि कोई भी प्रोफेसर जो है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, वो CCS रूल से गवर्न नहीं हो सकता है। आपने, आप खुद मानते हैं ये, अगर आप ये नहीं मानते तो आप यहाँ के प्रोफेसरों को चुनाव लड़ने नहीं देते, क्योंकि वो विपक्षी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्टियाँ ज्वाइन कर रहे हैं जो CCS रूल में नहीं कर सकते, यानी आप खुद मानते हैं। और CCS रूल जब कानून के सामने सब में बराबरी होना चाहिए, आप मुझे तो यहाँ के प्रोफेसरों को तो धमका रहे हैं CCS रूल से, आपके जो इतनी अनियमितताएँ हैं वित्तीय भ्रष्टाचार से, प्रशासनिक भ्रष्टाचार से, पेड़ काट के बेचने से, BHU को निजीकरण करने से, ईंट से ईंट बजाने से, महामना के विचारों को खत्म करने से, डेमोक्रेसी खत्म करने से, देशद्रोही काम करने से, संविधान विरोधी काम करने से, लोकतंत्र विरोधी काम करने से, इसके जो इतने अपराधी हैं, आपके विरुद्ध कौन से CCS रूल लगाएंगे, कौन लगाएंगे और कौन हटाएंगे आपको, और आज तक आप कैसे बने हैं इस पर? उस CCS रूल को ही अपने पर लगा के देखिए, खुद से पहले अपने आपको हट जाइए, अगर आप CCS रूल को मानते हैं। सर, अगली कार्रवाई आप क्या करेंगे? यहाँ पे आए हैं तो हमारा काम है लगातार
वैधानिक रूप से अपनी असहमतियों को और जो गलत चीज़ें माननीय कुलपति जी कर रहे हैं उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाना, आम जनता को समझाना, इस विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, उनको बताना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन तक उनके संज्ञान में ये बात ले जाना कि आपके जो आपकी गरिमा है उसको किस तरह से BHU के कुलपति महोदय खत्म कर रहे हैं, आपके सम्मानों पर सीधा आघात कर रहे हैं, आपकी बैड पब्लिसिटी पब्लिक में भिजवा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप कभी तुरंत प्रभाव से कुलपति के पद से हटाइए और इन सब जितने भी मैंने अनियमितताओं की बात कही है सबकी एक सेपरेट कमेटी बनाकर जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट सुपरविजन में जाँच हो और कुलपति महोदय और इनके सारे सहयोगी जो इन भ्रष्टाचार के अपराधी हैं सीधे के सीधे जेल में डाले जाएं। ऐसा अजीबोगरीब प्रकरण है जिससे जुड़े कम से कम 4-5 गंभीर अनियमितताओं के तथ्य आए हैं। BHU में सिर्फ 3 वर्षों से एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है जो अनिवार्य अनिवार्यता है, बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारी भर्तियाँ हो रही हैं। नंबर 2, जिस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था उस समय कहीं कुछ नहीं हो रहा था, BHU के VC उस समय अपॉइंटमेंट कर रहे थे, यह अकेला ऐसा ग्राउंड है मैं समझता हूँ जिस पर इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। नंबर 3, बार डॉक्टर ओम प्रकाश को जिस ओम शंकर जी को जिस प्रकार एक तो निरर्थक रूप से जब यह काम कर रहे थे इनको पद से हटा दिया, जबकि वैसी कोई विधिक आधिकारिकता की नहीं थी, वह अवैध आदेश था जो मई में किया 24 मई को, और फिर इनको रीइंस्टेट किया। अगर रीइंस्टेट किया तो 55 दिन बाद हटाना था, पहली बार हटाया तो उस समय तब हटाया जब उनको बहाली करना था, आज फिर इसीलिए हटाया कि उनको बहाली करनी है। अपने भ्रष्टाचार, अपने कदाचार, अपनी बेईमानी के लिए डॉक्टर शंकर जैसे आदमी को पद से हटाया जाना इस पूरे BHU के वास्तविक चरित्र को सामने लाना है। वही बात जो यहाँ पर जो पेड़ काटे गए हैं, जो नग्न पेड़ हैं, वो अभी BHU के उसी भ्रष्टाचार की एक बांधी है, इसको डॉक्टर साहब उजागर कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने डॉक्टर ओम प्रकाश के साथ हम हमेशा हैं और इन्हें सम्मानित करते हैं, इन्हें सल्यूट करते हैं कि यह लगातार BHU के जो मालवीय जी की कल्पना थी उसको जो निस्तनाबूद यहाँ के ये कर रहे हैं VC, उसमें जो संघर्ष कर रहे हैं उसको हम सलाम करते हैं। तो आगे क्या आप इस मुद्दे को और भी कहीं ले जाएंगे या कोर्ट? निश्चित रूप से इस प्रकरण को कोर्ट ले जाएंगे, लोकपाल के पास ले जाएंगे, हर सक्षम स्थान पे ले जाएंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि VC आज हमने 2 मिनट समय मांगा मिलने का, इनके सारे लोग बैठ के दुनिया भर की बात बोलते रहे लेकिन VC के पास मिलने के लिए 2 मिनट समय नहीं था, यह उनकी स्थिति है। जबकि वह सारे गुनाह, सारे भ्रष्टाचार कर सकते हैं, हमसे 2 मिनट नहीं मिल सकते, और इनके लोग अनर्गल प्रलाप अलग से करते हैं। सर, केंद्रीय विद्यालय जो विश्वविद्यालय होता है उसको राष्ट्रपति जो के आता है संज्ञान में, तो क्या इसको लेकर राष्ट्रपति से भी मिलेंगे आप? राष्ट्रपति के पास हमें जाना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, मैं उम्मीद करूँगा, बस इतनी उम्मीद करूँ कि राष्ट्रपति महोदया वास्तव में यहाँ की स्थितियों को संज्ञान में लेंगी और इस पर कार्रवाई करेंगी। यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति के स्तर से भी कार्रवाई नहीं होती है तो वास्तव में इसके बड़े गलत संदेश जाएंगे कि पूरा सिस्टम इस भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहा है।